एक बार क्वेश्चन टैग करते हैं, ये एग्जाम में आए हुए थे। चलो करवाए तो नहीं सर ने? बस वही लास्ट में। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू ऑनलाइन वे स्टूडेंट, आवाज आ रही है क्या? उनका माइक खराब है क्या? चलो हम पढ़ते हैं क्वेश्चन टैग। ठीक है जी, ठीक है, मेरे को मिल गया आवाज। ठीक है, देखो क्वेश्चन टैग क्या होते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम है वहां में क्वेश्चन टैग बनते हैं। ठीक है, अब एनवीएस वाले एग्जाम में भी आए हुए थे क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। हरियाणा में भी बने थे। ठीक है, कोई भी एग्जाम दे लेना, हरियाणा में भी आ रहे हैं पीछे से क्वेश्चन टैग। तो मॉडल्स हुए हैं, हमारे सिर्फ मॉडल्स ही हुए थे ना इससे पहले। अब क्वेश्चन टैग पढ़ लो। वैसे तो ना क्वेश्चन टैग पढ़ने के लिए आपको टेंस की जरूरत पड़ती है थोड़ी बहुत। ठीक है, लेकिन अब इतना टाइम नहीं है कि टेंस को शुरुआत करें। एक बार एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको पढ़ लेते हैं। ठीक है, फिर टेंस करेंगे, फिर आपको चीजें समझ आ जाएंगी। तो एक्चुअल में क्वेश्चन टैग, टैग क्या होता है? टैग जैसे आप कोई भी चीज लेके आते हो उसके ऊपर एक एमआरपी का टैग लगा होता है, वो क्या बताता है? उसकी डिटेल बारे में बताता है, उसकी चीजों के बारे में बता रहा है। तो ऐसे ही क्वेश्चन टैग है। क्वेश्चन टैग का मतलब ये होता है कि हम सामने वाले की इंटेंशन और कंफर्मेशन को बोलते हैं, कि सामने वाले से चीज कोई कंफर्म करना चाहते हैं। अगर मैंने बोला कि आज मौसम सुहावना है, इसका मतलब फिर आगे मैं बोल रही हूँ क्या नहीं है, क्या क्या हुआ? एक आपने बोला, फिर मैं आगे से बोल रही हूँ क्या नहीं है, क्या आज मौसम सुहावना है, क्या नहीं है क्या? ठीक है, तो जो एक पॉजिटिव बोली मैंने, एक उसके साथ ही नेगेटिव बोल रही हूँ, तो क्या कर रही हूँ मैं? सामने वाले से कंफर्म कर रही हूँ उस चीज को कि क्या नहीं है क्या। तो ये होता है हमारे पास क्वेश्चन टैग। कि अगर हमारे पास क्वेश्चन टैग कैसे बनता है, इन चीजों को देखते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन लिखो। देखो, ए शॉर्ट क्लोज एंडेड, ए शॉर्ट क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ए शॉर्ट क्लोज एंडेड क्वेश्चन प्लेस्ड एट द लास्ट ऑफ सेंटेंस, ए शॉर्ट क्लोज एंडेड क्वेश्चन प्लेस्ड एट द लास्ट ऑफ सेंटेंस टू नो द कंफर्मेशन और इंटेंशन ऑफ लिसनर। ठीक है, जो सुन रहा है उसकी कंफर्मेशन को और उसकी इंटेंशन को जानने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं? क्वेश्चन टैग का यूज करते हैं। अब देखो मैंने एक वर्ड यूज किया यहाँ पे, क्लोज एंडेड। अब क्लोज एंडेड का मतलब क्या होता है? ठीक है, क्लोज एंडेड आपको बताया था मैंने, थोड़ा सा बोला था वहां पे, मैंने क्लियर नहीं बताया था, एक बार यूज होगा यहाँ पे मैं बता देती हूँ। देखो आपको पता है हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। कौन से होते हैं? इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है? देखो एफर्मेटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, इंटेरोगेटिव होते हैं, ऑप्टेटिव और कौन सा होता है? इंपेरेटिव। ये पांच तरह के सेंटेंस होते हैं, टाइप ऑफ सेंटेंस हमारे। तो देखो एक उसके अंदर इंटेरोगेटिव होता है, एक इंटेरोगेटिव दो तरह के होते हैं हमारे पास, एक क्लोज एंडेड और एक होता है हमारे पास ओपन एंडेड। कौन सा होता है? ओपन एंडेड। अब देखो क्लोज एंडेड का मतलब क्या होता है, मैंने वहां भी छोड़ दिया था ये क्लोज एंडेड ओपन एंडेड। देखो दो तरह के होते हैं हमारे पास, एक क्लोज एंडेड और एक होता है हमारे पास ओपन एंडेड। फर्क क्या है? देखो मैंने इतना मैं पूछ रही हूं आपसे कि क्या आपने ब्रेकफास्ट किया है, आंसर क्या हुआ? हाँ या फिर ना। लेकिन अगर मैं पूछूं आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया, आंसर कुछ भी हो सकता है, दाल चावल घी जो भी चाय एक बिस्किट, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, देखो क्लोज एंडेड का मतलब है जो हमें सिर्फ यस और नो में आंसर करे। ठीक है, क्या आपने ताजमहल देखा है, यस या फिर नो, दो ही आंसर मिल सकते हैं। इसकी जो चॉइस होगी वो हमारी क्या होगी, यस या फिर नो। अगर मैं पूछूं आपने आगरा में क्या क्या देखा है,
ताजमहल होगा, कोई टॉम्ब होगी, हुमायूं टॉम्ब होगी, बहुत सारी चीजें बता सकते हो, बता सकते हो ना। तो ये होता है फर्क दोनों में। इंटेरोगेटिव में दो तरह के होते हैं, क्लोज एंडेड और एक होता है हमारे पास ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड वो होते हैं जो हमें यस और नो में, जहां पे हमारी कॉन्वर्सेशन बंद हो जाती है, बंद ही होगी ना कॉन्वर्सेशन, हाँ या फिर ना। लेकिन ओपन एंडेड क्या है कि ओपन एंडेड से जहां से हमारी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती, खुल गई, ओपन है, देखो बहुत सारा कुछ भी आंसर हो सकता है। तो ये दो तरह के होते हैं हमारे पास। तो अब मैंने यहां लिखा है ए शॉर्ट क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड का मतलब क्या होता है, वही है जो हमें यस और नो में, मैंने बोला क्या आज मौसम सुहावना है, क्या नहीं है, सामने वाला हाँ या ना में जवाब देगा। आई बात समझ में, यही क्वेश्चन टैग होते हैं, कि सामने वाला हमें जवाब कैसे देगा, हाँ या फिर ना में। इतनी बात समझ आई कि डेफिनेशन क्या होती है क्लोज। देखो बहुत सारे स्टूडेंट को यही नहीं पता होता क्वेश्चन टैग क्या होते हैं, इसी वजह से सारी चीजें बताई है, ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हमें तीन ही बातों का ध्यान रखना है। क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हमें तीन बातों का ध्यान रखना है। पहली, वो तीन बातें क्या हैं उनके बारे में देखते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, वी यूज सेम टेंस। हमारा जो टेंस है वो कैसा यूज किया जाएगा, सेम है। अगर आपके सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस है तो आप क्वेश्चन टैग में भी कैसा यूज करोगे, प्रेजेंट ही यूज करोगे। अगर आपके सेंटेंस में पास्ट टेंस है तो आप क्वेश्चन टैग में भी कैसा यूज करोगे, पास्ट यूज करोगे, ठीक है। अगर फ्यूचर है तो वहां पे फ्यूचर यूज करोगे। सेम यूज करना है, ऐसा नहीं है एक जगह पास्ट और एक जगह आप फ्यूचर यूज करो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या है कि वी यूज सेम टेंस, ठीक है, आई बात समझ में। दूसरा क्या है, We use only pronoun only। हम क्या use करेंगे, pronoun use करेंगे। अब pronoun कैसे, अगर आपके sentence में, example से आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। देखो अगर आपके sentence में pronoun क्या होते हैं, वैसे पहले तो pronoun की definition ही बता दो मुझे। सर्वनाम, मैं डेफिनेशन पूछ रही हूँ, हिंदी में नहीं पूछ रही। सर्वनाम तो ठीक है, डेफिनेशन क्या होती है, क्या होता है। देखो अगर मैं बोल रही हूँ राम, जो ना क्या होता है, क्यों यूज किया, सारा काम नाउन से ही चल रहा था तो मैं प्रोनाउन की जरूरत ही क्यों पड़ी। देखो प्रोनाउन की जरूरत इसलिए पड़ी, अगर हम सारी जगह राम, जैसे हम कोई सेंटेंस लिखा राम इज माय फ्रेंड, राम राम बार बार जो राम बोल रहे हैं वो नाउन की क्या है, रिपीटेशन हो रही है। क्या हो रही है, राउंड नाम की रिपीटेशन। तो नाउन की रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो प्रोनाउन क्या होता है, रिप्लेस करता है किसको, नाउन को। क्यों रिप्लेस करता है, टू अवॉइड इट्स रिपीटेशन, ठीक है। तो वो प्रोनाउन होते हैं। अगर कहीं भी किसी का नाम लिखा हुआ है तो आप उसकी जगह कोई ना कोई ही, अगर लड़की है तो शी, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग थिंग है तो इट, अगर प्लूरल की बात है तो दे, आप ऐसे यूज करोगे, प्रोनाउन यूज करोगे। तीसरी बात है, वी यूज कॉन्ट्रैक्शन। अब कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, जैसे मैंने लिखा देखो जो कॉन्ट्रेक्शन है, कॉन्ट्रेक्शन का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब को हम उसके साथ मर्ज करके लिखते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रेक्शन फॉर्म में। जैसे कई बार हम आई एम को कैसे लिखते हैं, आई, इतना ही लिखते हैं ना, यही लिखते हो, ठीक है। कैन नॉट को आप कैसे लिख देते हो, कांट,
ये क्या होती है, कॉन्ट्रेक्शन ही होती है. क्या होती है? कॉन्ट्रेक्शन. उनको हम मर्ज करके लिखते हैं. लिखवाऊंगी सारी की सारी, कॉन्ट्रेक्शन लिखवाती हूँ. एक बार देखो, एक चीज है जैसे कि आई विल हेल्प यू, इसकी भी कॉन्ट्रेक्शन क्या होती है, आई आई शेल हेल्प यू. आई की आई विल और शेल, इनकी जो कॉन्ट्रेक्शन बनती है वही ये एल दोनों लगता है. इसी वजह से गलत बोलते हैं, इसी वजह से बोला जाता है कि आजकल तो हम सब जगह विल यूज करते हैं. नहीं, ठीक है. मैंने आपको शायद बताया था मॉडल्स करवाते हुए दो तरह से, फिक्स और नॉट फिक्स, विल और शेल का यूज सिखाया था मैंने कि कहाँ पे हम विल का यूज करेंगे और कहाँ पे हम शेल का यूज करेंगे. तो अब ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है. अब देखो ही इज, अब क्या इसको कैसे लिख दिया इसने, ही इज को कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, ऐसे हेल्पिंग. तो जो हेल्पिंग वर्ब को मर्ज करके लिखते हैं उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन. तीन ही बातों का ध्यान रखना है. पहला, वी यूज द सेम टेंस. टेंस जो होगा अगर प्रेजेंट है तो वहां भी प्रेजेंट यूज करेंगे. और दूसरी बात क्या है, प्रोनाउन का यूज करेंगे. और तीसरी बात क्या है, हम क्या यूज करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन यूज करेंगे, ठीक है. अब कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्शन लिखते हैं कि कौन कौन सी है वो लिखते हैं. ये नोट कर लिया तो इसको इरेज कर देते. यहां तक तो दिख जाएगा ना सबको. सॉरी होगी. बनाओ इनकी कॉन्ट्रेक्शन, बनाओ. इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट. देखो पहले, देखो दो तरह की इंग्लिश है हमारे पास, ब्रिटिश और अमेरिकन, ठीक है. आपको पता होगा, ठीक है. पहले तो ब्रिटिश वाले ना सारे की सारी जगह एंट लगाते थे, लेकिन देखो चेंज हो गया अब सारी चीजें. अब ये पढ़ते हैं हम इज, इसकी जो बनेगी वो क्या बनेगी, इजेंट, ठीक है. इसकी कॉन्ट्रेक्शन बनेगी वो क्या बनेगी, आरेंट, ठीक है. अब देखो एम नॉट, ये इंपॉर्टेंट है. अब देखो एम नॉट को ऐसे भी लिखा होता, जो पुरानी बुक्स है ना उनको ऐसे लिखा जाता है, एंट, एंट लिखा जाता. लेकिन ना एंट का यूज वो इज की जगह, आर की जगह, वॉज की जगह, सब जगह यूज करते थे और ब्रिटिश इंग्लिश में यूज किया जाता था इसका. तो इसको चेंज करके एम नॉट को क्या बना दिया है, आरेंट ही बना दिया. लेकिन फिर आरेंट ही क्यों बनाया, इजेंट क्यों नहीं बनाया? देखो आपको पता है हम आई के साथ सिंगुलर बिहेवियर भी रखते हैं और आई के साथ प्लूरल बिहेवियर भी रखते हैं. और मोस्ट ऑफ द प्रोबेबल हम आई के साथ कैसा बिहेवियर रखते हैं, प्लूरल. इसी वजह से आरेंट लिखा गया, ठीक है. याद भूलना नहीं है इसको. आई एम नॉट की बनती है, आरेंट ही बनती है, ठीक है. इसके बाद वॉज नॉट की, वर नॉट की, वरेंट. विल नॉट की बताओ, विल नॉट की बताएगा कोई, विल नॉट की, विल बताओ. कुछ वॉन्ट क्या बनेगी, वॉन्ट बनेगी, ठीक है. वुड नॉट की, वुडेंट, ठीक है. मस्ट नॉट की बताओ एक बार, मस्ट नॉट की बताना. शैल नॉट की, ये इंपॉर्टेंट है. बाकी तो आप बना ही लोगे. मसेंट,
शैल नॉट की शांत, हैव नॉट की हैवंट, कैन नॉट की कांट, हैजंट, हैडंट, डोंट, डजंट। ये हम कॉन्ट्रेक्शन यूज करेंगे जब हम टैग बनाएंगे, ठीक है? इनका याद रखना, एम नॉट कहां डिसाइड हो गई, ठीक है, विल नॉट, शैल नॉट और मस्ट, ठीक है। हो जाएंगी याद ये, ठीक है? बहुत ज्यादा ये तो बस इनका थोड़ा सा ध्यान रखना, विल का और इसका, इन दोनों का, बाकी तो सारी सेम ही बनती हैं, ठीक है? कर दू इरेज, नोट कर ली सबने? नहीं की, कर ली ना? फिर कुछ एग्जांपल लिख रही हूं, बताएंगे क्या? आराम से, आराम से ही पढ़ा रही हूँ, बहुत स्लो स्लो पढ़ा रही हूँ। अगर अब देखो 3 दिन एग्जाम के रह गए हैं, अब इतना भी स्लो पढ़ाऊंगी तो आपको पता ही है ये क्वेश्चन टैग भी पूरा नहीं होगा। एटलीस्ट क्वेश्चन टैग तो पूरा कर लो, प्रेपोजिशन कर लो, करवा दी प्रेपोजिशन। चलो अच्छा, कंजंक्शन कर, क्वेश्चन टैग तो आज कल हो जाएगा कंप्लीट, 2 ही दिन में लग। आज पूरा नहीं होगा ये, बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है? 2-2.5 घंटे लगते हैं इसमें, लेकिन वो भी ज्यादा ही लगते हैं, सच्चाई बताऊं तो बहुत लंबा ऐसी है। वीडियो नहीं डली हुई, वीडियो मैं बनानी छोड़ दी मैंने, वीडियो बस यही जो डलती है रिकॉर्ड होके वही डलती है, ठीक है? चलो देखो, पहली बात देखो, अगर आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है, अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है, देखो अफर्मेटिव, अफर्मेटिव आपको पता है किसको बोलते हैं? जो सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस होगा वो हमारा क्या होगा? अफर्मेटिव, ठीक है? दूसरा हमारे पास नेगेटिव। अब देखो जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा उसी की जगह हम क्या यूज करेंगे? देखो अगर आपका सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है, तो उसका क्वेश्चन टैग बनेगा वो कैसा बनेगा? हमेशा नेगेटिव बनेगा। कैसा बनेगा? नेगेटिव। अब नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या बनेगा? अब नेगेटिव बनेगा तो आप क्या यूज करोगे? हेल्पिंग वर्ब, वही हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे, और उसके बाद जो भी है इसकी कॉन्ट्रेक्शन बनेगी, ठीक है? हेल्पिंग वर्ब वही नॉट वाला कॉन्ट्रेक्शन लिखोगे पूरा, ठीक है? नॉट। और इसके बाद क्या यूज करोगे? प्रोनाउन को यूज करोगे। क्या यूज करोगे? और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन पूछ रहे हो ना सामने वाले से, तो क्वेश्चन मार्क यूज किया जाता है, ठीक है? हैवंट, जैसे कि मैंने ऐसे लिखा है कि हेल्पिंग वर्ब है और इसके बाद जो नॉट लगेगा नेगेटिव बनेगा। अब नॉट की कॉन्ट्रेक्शन लिखोगे आप जो भी होगी। हाँ, यूज हो जाएगा ये, आपको पता चल जाएगा। अफर्मेटिव होगा तो इसका जो टैग बनेगा वो कैसा बनेगा? नेगेटिव बनेगा। पॉजिटिव सेंटेंस है और टैग जो बनेगा वो कैसा बनेगा? नेगेटिव। अगर हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस है तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद कोई ना कोई प्रोनाउन। ठीक है, मुझे बनाओ, इस बना के बताओ इसका। बनाओ इसका क्वेश्चन टैग। देखो रवि हैज फिल्ड द फॉर्म। अब मुझे एक बात बता दो, ये टेंस कौन सा है? टेंस कौन सा है?
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब देखो हमें तो सिर्फ किससे मतलब है, इसकी हेल्पिंग वर्ब से मतलब है, ठीक है। अब कॉम देखो, वैसे तो अब कॉमा लगता है, इसके बाद कॉमा लगा के लिखा जाता है रवि हैज फील्ड। ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको पता है ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। तो रवि हैज फील्ड द फॉर्म क्या बनाया, टेंस कौन सा हमारा पॉजिटिव है, कैसा है, अफर्मेटिव हो गया ना, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव का जो बनेगा वो कैसा बनेगा, नेगेटिव। तो हैज नॉट का कंट्रेक्शन क्या बनेगी, हैजेंट। और इसके बाद रवि, रवि के अकॉर्डिंग हम क्या यूज करेंगे, प्रोनाउन यूज करेंगे। और इसके अकॉर्डिंग यहां पे क्या यूज किया जाएगा, ही। और इसके बाद क्वेश्चन, इसके बाद क्या यूज किया जाएगा, क्वेश्चन मार्क। आई बात समझ में, तो यही स्ट्रक्चर होता है क्वेश्चन टैग बनाने का। दूसरा देखो मैंने लिखा करण, बनाओ इसका, करण केम हियर एट 7। बनाओ, अच्छा ये बताओ अगर हम प्रेजेंट टेंस है, टेंस कौन सा हमारा प्रेजेंट, उसमें हम नॉट लगाते हैं, नॉट के लिए हमें क्या चाहिए होती है, कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। तो प्रेजेंट टेंस में आप हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हो, डू या फिर डस। अगर प्लूरल होगा तो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू लगाते हैं, और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो क्या लगाते हैं, डज लगाते हैं। लेकिन अगर पास्ट की बात करते हैं, देखो आपको पता है ना यही तो स्ट्रक्चर होता है, फर्स्ट फॉर्म में क्या होती है हमारे पास, डू या फिर डज, सेकंड फॉर्म में क्या होती है, डिड। यही तो होता है फर्स्ट फॉर्म, और ये है हमारे पास सेकंड फॉर्म, ठीक है, यही तो है। तो अगर सेकंड फॉर्म है, टेंस कौन सा है ये, करण केम, देखो आपको पता है कम केम कम, यही टर्म फॉर्म होती है। तो ये कौन सा टेंस हो गया हमारे पास, पास्ट इनडेफिनेट हो गया, और ये क्या है हमारे पास, सेकंड फॉर्म है। कैसी है, सेकंड फॉर्म। और पास्ट में हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं, डिड यूज करते हैं। अब बनाओ, पॉजिटिव सेंटेंस है, कॉन्ट्रेक्शन बनेगी नॉट के साथ, तो कोमा लगाया, ये बना क्या होगा, डिडंट, और करण है तो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, आई बात समझ में, कैसे कॉन्ट्रेक्शन बनानी है। यस ऑनलाइन वाले स्टूडेंट, आ रहा है समझ में, हाथ खड़ा कर दो। हाँ ठीक है, चलो देखो दो स्ट्रक्चर बताए, अफर्मेटिव होगा तो नेगेटिव बनेगा, अगर नेगेटिव होगा तो कैसा बनेगा, बनाओ इसका, एक और बताती हूँ सेंटेंस बनाना। बनाओ, ऑलरेडी क्या है, नेगेटिव है, और नेगेटिव में मैंने क्या बताया, हेल्पिंग वर्ब, और क्या यूज करोगे, प्रोनाउन, कॉमा लगाया, और हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी दे रखी है तो क्या यूज करोगे, डज। अब देखो बोल के देखो, शिखा नहीं आई, क्या आई थी, अब ये ऐसे होता है, ठीक है, नहीं आई और क्या आई थी, बस एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। ठीक है, तीसरा स्ट्रक्चर देखो, तीन स्ट्रक्चर बता रही हूं, अफर्मेटिव नेगेटिव, एक और होता है स्ट्रक्चर हमारे पास नेगेटिव वर्ड आ जाएंगे तो, जैसे आपको पता है अनटिल है, अनलेस है, ये सारे क्या है, ऑलरेडी इनके साथ नॉट नहीं लगता, तो ये खुद भी तो क्या बताते हैं, नेगेटिव वर्ड बताते हैं, फिर इनका क्वेश्चन टैग कैसा बनाओगे। वही है हेल्पिंग वर्ब और
प्रोनाउन, अगर ये खुद ही नॉट का काम करते हैं और वो ऐसे वर्ड हैं कौन कौन से, मैं लिख देती हूं वर्ड कौन कौन से हैं, नेवर, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, बेयरली, ठीक है, स्केर्सली, अनटिल, अनलेस, फ्यू, लिटल, ठीक है। देखो फ्यू और लिटल में मैं आपको एडजेक्टिव में ही डिफरेंस बताऊंगी, फ्यू में, लिटल में, मच में, मैनी में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो एक बार इतना ही याद रखो, ये नेगेटिव का काम कर रहे हैं, तो ये कुछ नेगेटिव वर्ड्स आ जाएंगे तब टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव ही बनेगा। कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। बना के देखें, हाँ हाँ लिख लो एक बार। बनाओ इनका टैग बनाओ। पहले तो टेंस चेक करो कौन सा है, प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस है, बनाओ। कौन सा टेंस है, इज होगा तब आएगा ना, हेल्पिंग वर्ब का काम यहां पे। देखो यहां से हमें पता चल गया ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस है। प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस सी आई एस और फिर ऑब्जेक्ट। तो यहां कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट टेंस हो गया। और प्रेजेंट टेंस में हम आइडेंटिफिकेशन हेल्पिंग वर्ब का काम किस क्या करते हैं, डू या फिर डज। सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। और एक चीज देखो, रेयरली आ रखा है, रेयरली क्या है, नेगेटिव वर्ब है, और नेगेटिव है तो टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो सिर्फ सिर्फ क्या यूज करना चाहोगे यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब डज और शी। आ गया समझ में, कर लोगे। देखो तीन ही बातें ध्यान रखनी है, पहला क्या बताया, ये एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता है, मैंने डेफिनेशन बताई क्यों यूज करते हैं, सामने वाले की कंफर्मेशन को, इंटेंशन को जानने के लिए। तीन पॉइंट बताए, टेंस, दूसरा प्रोनाउन और तीसरा कॉन्ट्रैक्शन। इसी में फिर मैंने आगे बताया, अगर अफर्मेटिव होगा तो वो क्या बनेगा, क्वेश्चन टैग बनेगा नेगेटिव, अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव, और फिर अगर नेगेटिव वर्ड आ जाएंगे तो फिर कैसा बनेगा, ठीक है। आगे बात समझ में, कुछ एग्जाम्पल ठीक करके बताओ फिर मेरे को। यस ऑनलाइन वाले स्टूडेंट, आ रहा है समझ में सबको, ठीक है। हाँ ये नहीं आया वाला हाथ था या आ गया वाला हाथ था, ग्रीन शर्ट कुछ सेंटेंस लिख रही हूं, बना के देखो।
बनाओ, इतने बनाओ एक बार। बना के देखो। लास्ट वाला बोलो, ही हैड सोल्ड द कार, इससे पहले शी विल टेक द परमिशन। बनाओ इनके क्वेश्चन टैग। बनाओ फिर लिखूंगी और। राहुल हैज सीन द ताज। हैज सीन क्या है यहाँ पे? वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉ सी, सी सॉ सीन। ठीक है, ये क्या है हमारे पास वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। क्या बताया था, टेंस हेल्पिंग वर्ब से ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब हेल्पिंग वर्ब का काम, कॉमा लगा के लिखे जाते हैं ये। ठीक है, कॉमा लगाया फिर इसके बाद बनाओ। हैजंट पॉजिटिव है, नेगेटिव टैग बनेगा। हैजंट ही, ठीक है। नेक्स्ट बना के देखो, शिखा विल लीड। देखो आपको पता है ना, मॉड्यूल ऑक्सिलरी के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, वही बात है, लीड है। ठीक है, ये है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, ये हमारे पास लीड। क्या बताया, पॉजिटिव सेंटेंस है तो टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव। ये बनाओ, विल, विल का मैंने बनाया था, विल नॉट को कैसे बनाएंगे, वांट। शी है तो प्रोनाउन। ठीक है, इसके बाद कार्तिक हैड, और हैड के बाद क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म, कार्तिक हैड डोनेटेड द मनी। हैडेंट, इसके बाद देखो मस्ट सर्व, क्या बनाया था मस्ट नॉट का हमने, मस्टन्ट। शी है, शी के अकॉर्डिंग। इसके बाद देखो, शी वुड मैनेज द शो, वुडेंट शी। इसके बाद देखो, विल टेक, विल के बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये, क्या बनेगा, हैड सोल्ड, हैड है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो क्या बनेगा, हैडेंट ही। आ गई बात समझ में? ठीक है, ये थे कुछ टैग। लेकिन देखो कुछ दो तीन सेंटेंस लिखती हूँ कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है लिखती हूँ, देखना एक बार, नोट कर लो इनको पहले। किसी को कोई डाउट है तो भी पूछो मेरे से यहां से। हाँ जी, क्या वर्ब, फोन आ रहा है आपको, कैसे, हाँ तो फर्क कैसे, नहीं सेम रहेगी, अगर जो भी वर्ब दे रखी है उसने उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे हम। ठीक है, पहले पॉइंट लिखवाए थे ना, सेम टेंस जो वर्ब होगी उसी, वहां अगर वो उसमें यूज होगा, देखो सामने से यहां हो रहा है, अगर ये सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर ही तो लगी जाएगी। अगर ऐसा हो कि यहाँ पे आई है, एक बार बताओ अगर आई के साथ हैव लगा हुआ है कहीं ना कहीं, तो वहां भी तो उसी का, आई का ही तो प्रोनाउन बनेगा, बनेगा तो आई का ही प्रोनाउन, तो इस यही बता रही हूँ सेम रहेगा। ठीक है, वो उसमें बनाता है, नोबडी में बताऊंगी, जो नोबडी वाले होते हैं ना, नोबडी वाले हैं और इम्पेरेटिव है, कल की क्लास में थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट रहेगा,
कल की क्लास स्किप मत करना क्योंकि आधा ज्ञान खतरनाक होता है, ठीक है, आधा अधूरा काम का नहीं रहेगा, ठीक है। इतनी बातें तो बता दी, लेकिन कल का जो है वो इसका, ये तो आज तो बेस था सारा का सारा, लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव का कैसे बनेगा, ठीक है। शट डाउन द डोर, शट डाउन द डोर क्या बनाओगे इसका, ठीक है, कुछ है ही नहीं, कैसे बनाओगे। तो वो चीजें याद रख करने वाली है, ये तो सारा बेसिक है। बनाओ इनके, ठीक है। सीखो तो ढंग से ही सीखो चीजों को, ठीक है, ऐसे ऊपर ऊपर से सीखने का कोई फायदा नहीं है। बनाओ अब, बनाओ इसका, बनाओ फिर इस बी को छोड़ोगे या लगाओगे। देखो ऑप्शन में दोनों ही मिलेंगे फिर आपको, ठीक है। अब देखो विल नॉट का तो आपको पता है क्या बनाएंगे, वॉन्ट बनाएंगे, इतना तो बात थी हमारी, ठीक है, यहां तक पढ़ा हमने, ठीक है। शी है ना, राखी है शी, ठीक है। अब देखो विल बी, ये पार्टिकल है, ये हमेशा इसी के साथ लगेगा, बहुत सारी बुक्स में ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। आपको पता है जो हेल्पिंग वर्ब के साथ ही तो होती है विल बी कमिंग, आपको पता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो फिर इसको कैसे छोड़ के जाओगे, नहीं छोड़ा जाएगा, ये साथ ही लगेगा इसके, अगर विल बी लिखा हुआ है तो। आप ध्यान से देखो ये क्या है हेल्पिंग वर्ब और ये क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, कॉन्टिन्यूअस हो गया ना। अब देखो हैड ए ह्यूज हाउस, अब ध्यान से देखो हमारे पास तो अभी तक तो अभी मैंने एग्जाम्पल लिखा था, शायद ऐसा ही लिखा था, रवि Had sold, ठीक है, ऐसा ही कुछ लिखा था, यही लिखा था, ऐसा ही कुछ एग्जाम्पल लिखा था, ठीक है, बुक्स होगा, कार होगा, जो भी है, रवि हैड सोल्ड द बुक्स या कार, जो भी है, ऐसा ही लिखा था। अब ध्यान से देखो इस सेंटेंस को, ये देखो हैड, हैड हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसीलिए मैं बोलती आ रही थी सारी जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। लेकिन यहां देखो रवि हैड ए ह्यूज हाउस, क्या ये ह्यूज हेल्पिंग वर्ब है, कोई वर्ब है क्या, कोई मेन वर्ब नहीं है। देखो अगर मैं लिख रही हूं आई Have a car. ये have का मतलब क्या है यहाँ पे, क्या ये past perfect, sorry present perfect tense है, क्या मतलब है इस have का, क्या बता रहा है ये have, क्या बता रहा है actual में, क्या बता रहा है ये। हाँ
ये क्या बता रहा है, पोजेशन बता रहा है कि मेरे पास ये है। देखो आप ध्यान से देखोगे तो इस हैव के साथ कोई भी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। आपकी आइडेंटिफिकेशन मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कि पास्ट जो टेंस है हमारा, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, सब्जेक्ट है, उसके साथ क्या यूज करते हैं हैज या फिर हैव, और उसके बाद क्या यूज होती है हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। यही तो आइडेंटिफिकेशन है, यही आइडेंटिफिकेशन है ना। अब देखो अगर पास्ट परफेक्ट की बात करूं तो पास्ट परफेक्ट की आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, सब्जेक्ट और उसके बाद क्या यूज करेंगे हैड, और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद क्या होगा ऑब्जेक्ट होगा। अब ध्यान से देखो इन सेंटेंस में क्या हो रहा है, क्या मैंने ये सेंटेंस लिखा है ये किसका काम कर रहा है, ये इसके बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब है वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं, ये टेंस कौन सा हो गया हमारा, ये तो सिर्फ पोजेशन बता रहा है कि उसके पास ये घर बड़ा घर था। सेम एज इट इज मैंने लिखा आई हैव ए कार, इसका मतलब हैव ये वर्ब की ये हमारा परफेक्ट टेंस नहीं है, ये हमें क्या बता रहा है पोजेशन बता रहा है कि मेरे पास एक कार है। ठीक है, तो देखो अगर हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, अगर हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है तो वो परफेक्ट टेंस नहीं होता। अब देखो क्या होता है हैज और हैव, उसकी सेकेंड फॉर्म क्या होती है हैड होती है, और थर्ड भी हैड ही होती है, यही होती है ना, जैसे मैंने लिखा था डू डज और डिड और डन, यही होता है ना। ये क्या हमारे पास फर्स्ट फॉर्म का काम करता है, और ये किसका काम करता है सेकंड फॉर्म का, और ये किसका काम करता है थर्ड फॉर्म का। अब बनाओ इनके क्वेश्चन टैग, रवि हैड ए ह्यूज हाउस, बहुत सारे स्टूडेंट इसको हैडेंट बना के आएंगे लेकिन ये नहीं देख रहे कि हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है या फिर नहीं है। ठीक है, तो आपको देखना है ये जो हैव है आई हैव ए कार, इसका मतलब पोजेशन बता रहा है, क्या बता रहा है पोजेशन की मेरे पास ये कार है, मेरे पास ये बुक है। ठीक है, अब देखो रवि हैड ए ह्यूज हाउस, इसका बनाओ हैड कौन सा टेंस कौन सा हो गया सेकंड फॉर्म, तो अब बनाओ सेकंड फॉर्म में क्या बताई थी मैंने, बताओ बताओ अभी तो बता के डू या डज या फिर डिड, डिड किस में आएगा सेकंड फॉर्म में, तो ये बनेगा आपका डिडंट ही, ये बनेगा। आई बात समझ में? ठीक है, पेपर कहीं किसी भी लेवल पे कंफ्यूज कर सकता है आपको। ठीक है, जो आधा अधूरा ज्ञान वो यहाँ पे फेल हो जाते हैं, जो सिर्फ इतना ही रट के जाएंगे ना कि हमें तो हेल्पिंग वर्ब से मतलब है, वो यहाँ फेल होंगे। ठीक है, और 90% गलत करके आएंगे इस चीज को। आई बात समझ में? ठीक है, ये किसका काम कर रहा है, अब ये सिर्फ सेकंड फॉर्म का काम कर रहा है। आ जाओ ठीक करो वी हैव, और ये क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, पहले वाले मेथड पे ही ये क्या हमारा कौन सा टेंस हो गया haven't। ठीक है, इसके बाद देखो दे हैव थ्री चॉइसेस है, इसके पास है, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज हैव के बाद नहीं है, हैव किस में आ गया प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट में आ गया, प्रेजेंट के अकॉर्डिंग क्या यूज करोगे बताओ, दे है, डस तो सिंगुलर में लगता ना, डोंट दे। ठीक है, शी इज नॉट केयरलेस, बस सर एक मिनट, She is not careless। अब बताओ एक बात बताओ, मैथ में तो हम ऐसे पढ़ते हैं ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, पॉजिटिव बना दे, नहीं हमें मीनिंग से कोई भी मतलब नहीं है, हमें सिर्फ सेंटेंस का टैग बनाते समय हमें सिर्फ उनका क्या चाहिए स्ट्रक्चर पे डिपेंड करना चाहिए, और स्ट्रक्चर क्या है नॉट है, तो नॉट के अकॉर्डिंग क्या बनेगा इजंट, सॉरी इज शी। इसके बाद देखो विल बी अराइविंग सून, क्या बनेगा वॉन्ट दे बी। ठीक है, आ गई समझ में? ठीक है, क्वेश्चन टैग जितना आसान दिखता है उतना आसान भी नहीं है ये। ठीक है, कंफ्यूजन यहां होती है। ठीक है, बाकी कल पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास, किसी को कोई डाउट हो तो कल पूछना। थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे।